कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाते हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के बाद पूर्णिया सीट से लड़ना तय किया था। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के सिंबल पर ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए अड़ गए हैं, जबकि सीट बंटवारे में पूर्णिया आरजेडी के खाते में आई है। लालू यादव की पार्टी ने जेडीयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा शांत हो जाइए प्लीज स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो, कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा। इसीलिए कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा, फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलाइज को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब, डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है, मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता हूँ। धन्यवाद।